thank you राम जी वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक ठाकूँ आप जहाँ कहीं भी रहे खुश रहें आबाद रहें आमीन सुब आमीन तो जी हाँ ये है जी संडे का ही व्लॉग है जहाँ से हमने अपने व्लॉग का इख्तिताम किया था वहीं से ही हमने दोबारा आगाज़ किया क्योंकि इतना लॉन्ग व्लॉग मैं नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि इस वक्त वज... मेरी तैयारी है अम्मी के घर जाने की दौरानी भी जा रही है क्योंकि वो और मेरी अम्मी तो रानी की महका और मेरा महका एक ही जगह है एक ही महल में तो अम्मी जा रही हैं पिंडी तो मैं अम्मी से कोशिश कर रही थी कि मिल लूँ वैसे तो मेरा नहीं था लेकिन तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र है तो अम्मी की कॉल आई मैंने कहा हाँ जी अम्मी आ रहे हैं अम्मी की आठ बजे की आज टिकट है अम्मी जा रही हैं भाई के पिंडी तो चलते हैं अम्मी से मिलाते हैं आपको और आप इसी तरह हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहेगा बहुत ज़बरदस्त आज का ब्लॉग होगा और आपको इन पसंद आएगा तो मेरी तैयारी है सिर्फ मैं खड़े खड़े जा रही हूँ क्योंकि आते हुए मुझे बाज़ार से होते हुए आना और पनाना भी है सालन वगैरह तो यहाँ मरियम फातमा की फैमिली और मैं मेरा और उनका मेका एक ही जगह है एक ही रोड पर है तो चलते हैं एक ही पड़ोस में जा रहे हैं तो हमने सोचा चलो मैं भी साथ चलती हूँ मैं वापस आऊँगी वो चार पाँच बजे तक रहेंगी अपनी अम्मी के घर तो चलते हैं इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और इन श्या शाला आप सबकी दुआओं से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ बहुत अच्छी हो गई हूँ क्योंकि मुझे भी ना तीन दिन के इंजेक्शन बताएं इन्हें भी जो कि हमारी ठंड थी अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ और सारे घर की सफाई व सफाई सब कर लिए तो मैं निकल रही हूँ बाजार के लिए और अम्मी से भी मिलना है चलते हैं देर हो रही है और जी अम्मी से मिलते फिर अम्मी मुझे लग रहा आएंगी आधे रमज़ान करके तो चलते हैं अम्मी से मिल ही लेते हैं क्योंकि दिल जो है ना मिलने के लिए बेताब हो रहा है मैंने कहा मैं आ गई हूँ जी हाँ फाइनली मैं पहुंच गई और सीधी सीधी जी मैं ऊपर गई और छोटी भाभी के रूम में इस वक्त हूँ तो वो बना रही थी चाय तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी क्योंकि अम्मी बाहर ही बैठी हुई हैं तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे अम्मी ऊपर ही होती हैं ज़्यादातर अम्मी की पलंग होके वो बरामदे में ही बिछी होती है और अम्मी धूप में बैठी रहती हैं बाहर और सोती भी ज़्यादातर वहीं है तो अम्मी की आज जाने की तैयारी है पिंडी अम्मी से अभी हम आपको मिलवाते हैं और जी अम्मी जा रही हैं आज रात आठ बजे और शबरात और रमज़ान आधे वहीं करेंगी और जैन तो भाई इनकी ख़ाला नीचे आवाज़ ले रही आई हैं जैन का जाने का नाम ही नहीं जैन की भी तबीयत ऐसी हो रही है ज़ुकाम वग़ैरह तो ज़ैन कह रहे चाय पीऊँगा फुप्पो के साथ तो यहाँ छोटी भाभी लेकर आई हैं चाय और हम पी रहे हैं चाय अम्मी से बातें शाते कर रही थी अम्मी भी और मैं भी चाय पी रहे हैं तो अच्छा यहाँ तक जब मैंने मीठी चाय पी मुझे नहीं पता था कि मेरा परहेज़ है और आज यानी संडे की रात को ही मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको तो भाई शुगर बहुत बढ़ रही है मीठा शीठा सब बंद कर दो तो बस आज रात को ही यानी संडे को ही मुझे पता चली थी ये बात तो मेरा मीठा बिल्कुल बंद है चाय शाये शायने अच्छा टिकिया लिए भाई के लिए भाई की फैमिली के लिए और ये बैग वगैरह सब ये रली भी लेंगी और अम्मी की तैयारी शयारी फुल है रात आठ बजे जाएंगी हम स्टेशन पे नहीं जा सकेंगे क्योंकि मुझे रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलना होता है मैं आ गई थी घर और फिर उसके बाद यासिन शरीफ करानी थी मुझे तो बच्चियों को घर घर की बच्चियों से मैंने यासिन शरीफ वगैरह करवाई यासिन शरीफ का वजीफ़ा काफ़ी दिन से बोला हुआ था तो मैं तो थोड़ी देर के लिए गई थी अम्मी के पास क्योंकि मुझे आज कराना था ये तो यहाँ जी सारी बच्चियों ने पढ़ लिया था बस एक दो रह गई थी तो वो बस पढ़ रही थी और यासिन शरीफ का वजीफ़ा काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि करा लूँ करा लूँ तो बस वही हो रहा था और घर की बच्चियाँ ही सारी मौजूद थी इस वक्त ना तो हम सब पढ़ रहे थे बच्चों के लिए केक शेक मैंने मंगवा लिए थे और मैंने कहा चाय वगैरह बन जाएगी तो शाम की टाइमिंग थी चाय केक मैंने कहा बच्चे खा लेंगे तो सारी बच्चियाँ घर की थी ये कुछ पैकेट मैंने मंगवाए थे कि यासिन शरीफ का वजीफ़ा ये बच्चियाँ चाय से खा लेंगी तो यहाँ जी ये बच्चियों को दे दूंगी तो फिर उसके बाद शाम हो गई थी और हरी प्याज पत्तों की प्याज की चटनी इन काफ़ी दिन से कह रहे थे तो बस वो मैं बनाने आ गई थी किचन में काफ़ी दिन से कह रहे थे नंद भी मेरी कह रही भाभी मैं भी खाऊँगी मुझे बहुत अच्छी लगती है मैंने कहा आप भी खाइएगा तो ये काफ़ी सारी थी तो ये कटिंग की मैंने पत्तों की हरी प्याज भी ली और बहुत टेस्टी ये चटनी बनती है बहुत ही तो ये काफ़ी दिन से कह रहे थे मैंने कहा समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए हालांकि कोरमा भी रखा हुआ है सब सालन है लेकिन कुछ नया सा मैंने कहा बना लो जो इनका मुंह भी चटपटा सा हो जाए हरी मिर्ची काफ़ी सारी मैंने ली हैं हल्दी पाउडर लिया नमक लिया यहाँ धड़ा मिर्च लिए और ये देखिए बस ज़ीरा टोस्ट ये करूँगी उसके बाद प्याज़ थोड़ी सी उसके बाद फिर हरी पत्तों की प्याज ये भी और फिर उसके बाद टमाटर वमाटर सब ऐड करके जो है ना भून शून लेंगे इतने मज़े की बनती है रोटियों में घी लगा के ना तो अच्छा यहाँ जी मैं आ गई थी आज बाज़ार बाज़ार में नंद की जाने की तैयारी है कल यानी मंडे को नंद चली जाएंगी तो ये सारी इनको जो है ना थोड़े बहुत कपड़े वगैरह दिलाने थे यहाँ से तो सब भाइयों ने कुछ ना कुछ दिया ही है तो ये सब नहीं दिखा पाई मैं क्योंकि ना बैग इतनी जल्दी बनाया कि मैं रात बस लेटी हूँ टैबलेट वगैरह अपनी लेकर और बैग वैग सब रख दिया तो मैं इन्हें आई थी कपड़े भाभी मैं आपकी पसंद के लूँगी तो बस वही मैं दिलाने आई थी यहाँ तो दो सूट इन्होंने अपने लिए बच्चों के लिए और हस्बैंड का था तो ज़ाहिर एक साल के बाद भी आई हैं और ग्यारह साल बाद इनके बेटा भी हुआ तो कुछ कपड़े शपड़े तो होने चाहिए ना तो यहाँ पे जी कपड़े वग़ैरह में सब दिला रही थी चूड़ियाँ भी मैंने पहनाई इन्हें और ये जी तैयारी रही और इनके जाने की क्योंकि मंडे को इन्हें निकलना है कराची के लिए तो ये आई थी एक साल बाद आई थी तो कपड़े तो होने चाहिए तो यहाँ जी हम पसंद कर रहे थे और ये हम घर से कुछ ही नज़दीक बाजार है वहाँ पर खड़े थे इस वक्त तो कहीं जाना नहीं है इसी तरह वीडियो पर जुड़े रहना बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग होगा और आपको पसंद आने वाला है आज ही जी इंजॉय ही इंजॉय किया है और क्या किया है ये तो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा इसी तरह वीडियो पर जुड़े रहिएगा प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को वॉच कीजिएगा मज़ा आने वाला है आज आपको तो बाजार से बस सारे कपड़े वपड़े सब ले आए थे और रात हमने ये डेढ़ बजे किया है इंजॉय पिज़्ज़ा पार्टी हुई है जी यहाँ क्योंकि नंद कहने लगी कि भाई कल चले जाएंगे आज सब जागो और हमसे बातें शाते करो तो बस पिज़ा भी मंगवा लिया गया और बच्चों ने किया एंजॉय सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं यानी पूरे घर की जितनी बच्चियाँ थी सब तो यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है आज और मुझे भी उठा के लेकर आई भाई भाभी उधर आओ उधर आओ तो मैं भी अपने रूम से इधर ही आ गई सामने वाले रूम में ये हमारा जो एक्स्ट्रा रूम है यहाँ किया जाता है सारा इन्जॉय जब बच्चे जागते हैं ना तो फिर इधर ही जागा जाता है तो पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था बहुत ही मज़े का था तो आपको कहीं जाना नहीं है वीडियो को स्कीप नहीं कीजिएगा बहुत मज़ा आने वाला है बहुत ही तो आज सारी बच्चियाँ कर रही हैं फुप्पो के साथ इंजॉय तो सभी यहाँ नन्न वगैरह सब बच्चियाँ सब, बच्चिया, सब बैठी हुई हैं तो सब पिज़े को देख देख के भाई बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था मुझे खुद को भी बहुत मज़ेदार लगा था डेढ़ बजे की टाइमिंग है और हम कर रहे हैं पिज्ज़ा इंजॉय है। तो इस वक्त सब हैं ले। लेकिन मैं रह गई थी ले ले। और ये सब बच्चियाँ पार्टी हो रही इधर तो जी हाँ बच्ची मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बिना तो अधूरी है क्योंकि मैं बहुत हंसी मजाक खाना पीना ये सब कामों में तो मैं लाजमी आगे होती हूँ तो बस इस वक्त हम पिज़्ज़ा कर रहे थे इंजॉय मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स खाना चाहती हैं मोस्ट वेलकम तो यहाँ जी मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है थैंक यू सो मच आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है इतना ज़्यादा कि मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी मैं कहती हूँ कोई ना कोई ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ और आपके साथ एंजॉय करूँ तो बहरा मैं काफी है ना मुझे वीकनेस हो गई है बड़ा देख देख के जी खाना जाना पड़ रहा है चाय मेरी बंद हो गई है मीठा बंद हो गया है जबकि मीठे की मैं इतनी ज्यादा शौकीन थी ना तो आज का भी लोग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो तक चाहती अल्लाह